मैडम आज आपको स्वागत है संबलपुर में अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला समिति को। आप जो जो कार्यक्रम लिए हैं उसे बहुत ही अच्छा है। हम देख सकते हैं इसके पहले भी हमारी संबलपुर की महिला बहुत ही एक्टिव है। वो इतनी एक्टिव है कि झांसी की रानी भी फेल हो जाती है, वो हर काम लड़ भीड़ के कर लेती है। तो मैम आज जो आप संबलपुर में इसके बारे में बताएंगे थोड़ा, आपका पूरा नाम आप परिचय, आपका परिचय देंगे। अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन राष्ट्रीय अध्यक्ष अंजू सरावगी, मैं आई हूँ बालेश्वर से, उड़ीसा बालेश्वर से, और आज संबलपुर में हमारी बैठक है और चार शाखाओं के साथ, और साथ में बुल्ला और हीराकुंड मिला के छह शाखा, पाँच पाँच दो सात चार दो छः। हाँ जी मैम, तो इसके बारे में क्या मैसेज देना चाहेंगे? हमारा लक्ष्य है कि हम बाल विकास और पर्यावरण, महिला सशक्तिकरण और नेत्र अंग रक्त त्वचा देहदान से काम करते हैं, तो उसी के विषय पे यहाँ चर्चा रखी गई है, विचार विमर्श हो रहा है, कुछ संस्कार संस्कृति भी सनातन धर्म का आगे बढ़े, तो महिलाएं इसके लिए उत्सुक हैं। और हम आज के युग में हमारी किशोर किशोरियों की शादी थोड़ी लेट हो रही है, उसके लिए भी हमारे बायोडाटा के ग्रुप चल रहे हैं, हमारे चहुँ और काम हो रहे हैं, और साहित्य के ऊपर भी हमारी मातृभाषा मारवाड़ी है, उस साहित्य को भी जीवित रखने के लिए रचनाएं मंगा कर प्रतियोगिताएँ करके वो काम में आगे बढ़े। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैडम से हमने वार्ता सुनी, वो भी कहती हैं मैं आई हूँ तो कुछ करके दिखाऊंगी, कुछ यहाँ का मैसेज लूँगी, कुछ मैसेज दे के जाऊँगी, और किस्सा मालों को आगे बढ़ाया जाएगा, महिला को आगे बढ़ाया जाएगा, उसके उसके बारे कई बार। आइए मैम, आपका नाम बताएंगे, आप बोलेंगे ना कुछ, आपका नाम बताएंगे। मेरा नाम अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन के प्रदेश अध्यक्ष जी बबीता अग्रवाल बलांगीर से। जी जी मैडम, जिस तरह बलांगीर के रह सकती हैं, बलांगीर बहुत बड़ा राजनीति एरिया बोला जाता है, उड़ीसा में बहुत ही हल्ला होता है, तो मैडम आज जिस तरह भी आप लोगों ने बताया, बहुत बातें भी सुनी उसमें, एक तो बहुत ही अच्छी बातें बोली, अब किस तरह महिला माँ लोगों को कैसा नौकरी दोगे, कैसा पेट भरेंगे, कैसा रोजगार करेंगे और अपने बाल बच्चों का परिवार पाल सकें, तो इसके बारे क्या बोलना चाहेंगे? अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन का उद्देश्य यही है कि हम लोग हर क्षेत्र में हर किसी को इतना सक्षम बना दें कि वो अपना जीविका खुद से निर्वाह कर जी मैम, तो उसके लिए हमारा बहुत सारा राष्ट्रीय स्तर से राष्ट्रीय स्तर से बहुत सारा प्रयत्न चल रहा है और बहुत कोशिश चल रही है। जी मैडम, कई और महिला समिति कई कार्यक्रम करती है, इतने कार्यक्रम करती है कि आप ही भूल जाएंगे, गिनती नहीं करा सकेंगे। हमारे मैडम भी करती हैं बहुत, हर कार्यक्रम में आगे रहती हैं और हर काम में भी आगे रहती हैं, तो यदि यदि हर महिला समिति पांच पांच जन को भी नौकरी दिलाती है, कोई काम में पैर में खड़ा होना सिखाती है, तो इससे बड़ा पुण्य काम नहीं है महसूस, क्योंकि जो परिवार पाल सकेंगे, तो इसके बारे में क्या बोलेंगे आप? बहुत बहुत धन्यवाद। हम पूरा महिला समिति को देंगे कि सारे के सारे लग चुके हैं और अपनी माँ बहनों को आगे बढ़ाने के लिए हर प्रकार का रास्ता बताते हैं, प्रयास करते हैं कि किस तरह माँ बहनें आगे बढ़े, और सामने में किसी को नौकरी भी दिलाती हैं, तो इससे अच्छी बड़ी कोई बात नहीं। हम भी बहुत आपकी आवाज़ संबलपुर की तरफ से आपको बहुत धन्यवाद।